हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सिंधी का नया डिजाइन लेकर के आए हैं आपको, जो कि दो कलर में हम बनाना बताएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी है फ्रेंड्स इसको बनाना, और हम ग्राफ के साथ में आपको बनाना बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार, आप हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट करिएगा हमें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। आप चाहें इसको स्केल से भी इस पर लाइन लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो आप हाथ से भी इसको ग्राफ बना सकते हैं। इस तरह से हमें लाइन बनाना है पहले इस पे। हमने कितना लाइन इस पे बनाया, 1 2 3 4 5 6 7, हमारा 7 8 लाइन का फूल है तो बना दिया। अब एक्स्ट्रा में हमें एक दो ज्यादा बनाया है, तो इधर से भी हम 7 8 लाइन बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो 7 8 लाइन का फूल है दोनों साइड से हमने बनाया है, एक्स्ट्रा में हमने बना दिया है कि अगर घटे बढ़े तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अब किसी भी कपड़े पर, कॉर्नर पे, कि सोफे के कवर पे, किसी पर भी आप इसको बना सकते हैं। इसको यहां से हम काउंट करेंगे। पहला वाला स्टेप जो हम बनाते हैं इस तरह से, तो पहले इसको हम बना लेंगे। एक गैप दे करके हम दूसरा यहां पर बनाएंगे। फिर एक गैप देंगे, फिर एक आगे वाला हम बनाएंगे। फिर एक गैप देंगे, फिर एक आगे वाला बनाएंगे हम। इस तरह से यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमने 7 यहाँ पर बना लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद इधर हम मुड़ जाएंगे। आज वाला धागा उलझ रहा है थोड़ा, तो यह कपड़ा में है प्रॉब्लम की उलझ रहा है, लेकिन ये उलझता नहीं है बिल्कुल। फिर इस तरह से हम इसको इधर निकालेंगे। इसके बाद इसको हम इस स्टॉपेज जो हमारा है सेंटर यहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद इसको इसके ऊपर बनाते हुए हमें धागे को निकाल देना है। फिर एक धागा इसमें, इसको हम ऊपर उठाएंगे तो एक धागा हमारा अपने आप ऑटोमेटिक नीचे हो जाता है। फिर इसके सेंटर में हम लेंगे। लेने के बाद में इसको इस तरह से हम बनाएंगे। बना के फिर यहाँ पर बनाएंगे। अब मैं इसी तरह से फटाफट बना रही हूँ। अब इसके बीच में यहाँ पर बनाएंगे, आप देखते रहिएगा कैसे बना।
अब हमने इसको आधा बना लिया है। आधा के बाद में जैसे हमने इधर बनाया है वैसे ही हमें इधर बनाना है। इधर इसी तरह से हम बना करके कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारा ये फूल बनके फ्रेंड्स कंप्लीट है। इसकी भराई हम दूसरे कलर में बनाना बताएंगे आपको, जो कि बनाने में आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो भराई चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से यहाँ से हम भराई शुरू करेंगे जहाँ से कि हमने इसको ओपनिंग किया था। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। इस तरह से आप देख करके अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप इसको बना सकते हैं। कहाँ पे हमने इसको बनाया है और कहाँ पे हमने इसको भराई किया है, देखिए बहुत ही अच्छे से पता लग रहा है इसका। देख सकते हैं आप इसको। हमने और भी सिंधी के बहुत सारे डिजाइन डाले हुए हैं अपने चैनल पर, आप वहां भी देख सकते हैं। जो भी चीज आपको सीखना है या जो भी बनाना है आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे हमारा ये डिजाइन बनते जा रहा है। इसी तरह से पूरा डिजाइन हम बना करके कंप्लीट कर लेंगे और बहुत ही सुंदर और प्यारा ये डिजाइन लग भी रहा है देखने में। जो सबसे पहले बनता है उसको सबसे बाद में भराई होती है और जो सबसे बाद में बनता है उसकी भराई सबसे पहले होती है। हमने या इसको यहाँ से स्टार्ट किया था बनाना तो इसकी भराई सबसे बाद में हो गया, सबसे बाद में ये बना था तो इसकी भराई सबसे पहले हो जाएगी। इसी तरह से हम इसको क्लियर करते हैं और इस तरह से आपको मैं भर के दिखा रही
इसी तरह से पूरा भराई हम कंप्लीट कर लेते हैं, करके फिर आपको आगे दिखा रहे हैं। इस तरह से हमारा यहाँ तक भराई बनके कंप्लीट है। अब इसके नीचे का जो उसकी हम भराई शुरू करेंगे। पहला वाला जो हमने स्टिच किया था उसको हम भरेंगे। जितना रेड वाला धागा है भरने के समय हम उसी को उठा रहे हैं। अब देख सकते हैं इसी तरह से ये हम बना करके कंप्लीट कर लेते हैं करके फिर इसके आगे। इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनके कंप्लीट है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके साथ में। थैंक यू।